आपके व्यूअर्स, हाँ आपके व्यूअर्स को सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात आपने दुरुस्त कही है मेरे भाई। ड्रोन मरी दयाल था वनो अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर खुश हामदीद। शहर के बीच में से गुजर रहे हैं और क्या खूबसूरत सीन बना हुआ है माशाल्लाह। भाई जान साइड पे हो जाए। ओहो ये कहाँ से आ रहा है भाई? एंट्रेंस ले ली और ये इलाका है जी वो कब्रिस्तान में कोई है बिफोर यू भी है या क्या हुआ है। चलो शहर के बीच में से गुजर रहे हैं। कालाबाग पहुँचने में तकरीबन हमें लगेंगे अभी 8 से 10 मिनट। और क्या खूबसूरत सीन बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। बड़ा मज़ा आता है जब आप इस तरह के मौसम में इंजॉय करते हैं और स्पेशली इस
तरह के मौसम में बाइकिंग करना बहुत ही ज़्यादा लुत्फ देता है। हाँ सीधे जाए, सीधा जाए, सीधा सीधा। क्यों आप पहली बार तो जा रहे हैं? कॉपीराइट्स, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप बाइक चलाते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप मोबाइल हाथ में उठाते हैं तो मोबाइल को आप कस के पकड़ते हैं कि मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सामने चौकी भी है, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि वकास गाने गा रहे हैं तो हमें कॉपीराइट्स का भी ध्यान रखना है। इन चीज़ों का आपको ख्याल ज़रूरी रखना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप समझने वाले लोग हैं, समझ जाते हैं। कॉपीराइट तो हर चीज़ का होता है। और इस साइड पे है ये दरिया सिंह, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और वो घर बिल्कुल दरिया सिंह के किनारे पर है। बड़ा मज़ा आता है उन घर को, उन घरों में जाकर आप नीचे दरिया का व्यू होता है। और तो सामने से ये व्यू है और बैक का व्यू मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि मोड़ के बैठ जाऊँ। तीन बैठे हुए जी, ठीक है। बाइक पे तीन बंदे बैठ, बाइक पे तीन बैठना, बाइक पे दो भी बैठ जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है पीछे को कवर कर। तो अब ये देखें खूबसूरत मंजिल। और ये बहुत ही पुराना पुल है, तकरीबन ये है बना हुआ है 1877 के पहले पहले बना हुआ है ये पुल। शायद कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो एडजस्ट कर लें आप लोग, पर इसकी खूबसूरती को भी एडजस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत है ये पुल, मज़ा आता है। और शानी आपने पैर नीचे किए हुए हैं तो मुझे मैं अनकम्फर्टेबल हूँ पैर ऊपर करने, ताकि आप आपके पैर ऐसे ना हो कि ज़मीन पे लग जाएं और आप ज़ख्मी हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप एहतियातन अपने पैर जो है ऊपर कर लें। ज़बरदस्त, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, यू नो वकास। आई नो। ये जी आप देख सकते हैं एक खूबसूरत नज़ारा पुल। मैं कौन हूँ? स्पीड सी विर सी हाँ जब आप अगेंस्ट द सन जाते हैं तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी लो हो जाती है क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और ये है चौकी, हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप सीधे जाएं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप बाइक पे जाने वाले लोग कोई पे नहीं करते, ठीक है। आपको पता है वकास? यार हमको पता है इस बात का। तुमको पता है इस बात का? वाह 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 वाह।
ये मुझे पबजी की याद दिला रही है, जॉर्जियोपोल जॉर्जियोपोल के साथ जो ब्रिज होता है, ब्रिज कैंपिंग करते हैं यहाँ पर लोग। जीरो बना हुआ है दरम्यान में, क्योंकि इधर पानी का अपसेंड डाउन बहुत रहते हैं। पानी आपको पता होना चाहिए कि जब सर्दी होती है तो पानी का लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, और जब बारिशें होती हैं और गर्मी होती है तो गर्मी में पानी का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि ऊपर से पानी पिघलना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर का पानी सारा आता है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद ये दुरुस्त भी हो, पर हो सकता है, लेकिन ये मैंने लोगों से सुना है कि गर्मियों में पानी का लेवल बाइक कोई भी जगह नहीं है बाइक की, आप कहीं भी खड़ी कर दें बाइक, कहीं भी साइड पे खड़ी कर दें, यहाँ पे खड़ा कर लो। हाँ, कुछ कहते नहीं है तो हम अब थोड़ी सी फोटो सेशन करने लगे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं।